हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर फ्रॉम बुक लेट अस सी। इस चैप्टर का नाम है पॉइंटर्स। तो दोस्तों, अगर आप सी की जर्नी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसा अक्सर देखा गया है कि बच्चे जो हैं पॉइंटर्स वाले कंसेप्ट में बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं, उनको बहुत अच्छे समझ में नहीं आता है ये कंसेप्ट। हालांकि कंसेप्ट इतना कठिन नहीं है, मैं कोशिश करूंगा कि इन क्वेश्चंस के माध्यम से आपको ये कंसेप्ट्स अच्छे से समझ में आ सकें पॉइंटर्स वाले। चलिए स्टार्ट करते हैं लेट अस सी बुक का चैप्टर 9 का पहली एक्सरसाइज, प्रॉब्लम एक्सरसाइज ए, एंड दिस सेक्शन इज व्हाट विल बी द आउटपुट। ठीक है, इस सेक्शन में हमें कुछ प्रोग्राम्स दिए हुए हैं और हमें उनका आउटपुट बताना है। तो हमेशा की तरह मैंने इन प्रोग्राम्स को कोड पैड में लिख भी लिया है, जिससे कि मैं इनको एग्जीक्यूट करके आपको दिखा सकूं। चलिए बढ़ते हैं अपनी फर्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। ये हमारी फर्स्ट प्रॉब्लम है, इस प्रोग्राम को पढ़िए अच्छे से। देखिए, दो इंटीजर डिक्लेयर किए आई और जे। ठीक है, एक फंक्शन में आई और जे की वैल्यू दे दी और उसके बाद आई और जे की वैल्यू प्रिंट करवा दी, अब रिटर्न करवा दिया जीरो। ठीक है, हमसे इसका आउटपुट पूछा है, तो आउटपुट के लिए आप सिंपली देखिए, हमने इस फंक्शन में आई और जे की वैल्यू प्रोवाइड करवाई है। ठीक, तो अब इस फंक्शन में क्या हो रहा है हमें उससे मैटर ही नहीं है, क्योंकि ये फंक्शन आई और जे की वैल्यू तो चेंज कर ही नहीं सकता जो आई और जे में स्टोर है। बेसिकली हमने इस फंक्शन को 5 और 2 प्रोवाइड करवाया है, अब ये 5 और 2 के साथ कुछ भी खेलता रहे, लेकिन आई और जे वेरिएबल में जो वैल्यू है वो तो कभी चेंज कर ही नहीं सकता। तो इसलिए आई और जे में हमारा क्या प्रिंट होगा, हमेशा 5 और 2 ही प्रिंट होगा। देखिए, मैं इसको आपको एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ और हमारा आउटपुट आ गया 5 और 2। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ। अब इसमें देखिए क्या इन्होंने खेल किया है। सिमिलरली जैसे पहले क्वेश्चन में किया था, इन्होंने आई और जे दो वेरिएबल डिक्लेयर किए और उसके बाद फंक्शन में अब इन्होंने आई और जे पास नहीं किया है, यही ध्यान देने वाली बात है। इन्होंने पास किया है एड्रेस ऑफ आई एंड एड्रेस ऑफ जे। ठीक है, अब क्योंकि हमने आई और जे वेरिएबल का एड्रेस पास कर दिया है, तो अब ये जो फंक्शन है ये आई और जे में जो भी वैल्यू स्टोर है वो चेंज कर सकता है। तो हम देखते हैं किस तरह से चेंज कर रहा है। देखिए, तो ये इस पर आप ध्यान दीजिए, जब भी हम कोई एड्रेस पास करते हैं तो उस फंक्शन को जो हम डिफाइन करते हैं तो उसमें इस तरह से उस एड्रेस को स्टोर किया जाता है ना। तो यह बताता है कि जो आई में जो वैल्यू स्टोर है वो एक इंटीजर टाइप की है। ठीक, इसी तरह जे में जो वैल्यू स्टोर है वो एक इंटीजर टाइप की है, ये हमें बता रहा है। अब देखिए हमने क्या किया, जब भी स्टार आई लिखा होगा तो हम कहेंगे कि आई में जो वैल्यू स्टोर है, इस तरह से इसको रीड करेंगे। ठीक, और अगर एड्रेस आई लिखा होगा तो हम, इसका मतलब है कि भाई आई का जो एड्रेस है, आई जो वेरिएबल है उसका जो एड्रेस है वो ये डिनोट कर रहा है, और स्टार आई डिनोट कर रहा है कि आई एड्रेस पे जो वैल्यू पड़ी हुई है। तो अभी क्या कह रहा है कि आई एड्रेस पे जो वैल्यू पड़ी हुई है उसको उसी से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे पड़ा हुआ है 5, तो आई एड्रेस में जो वैल्यू है वो हो जाएगी 25। इसी तरह जे एड्रेस में जो वैल्यू पड़ी हुई है तो कह रहा है कि जो वैल्यू है उसी को उससे मल्टीप्लाई कर दो अपनी वैल्यू से। तो आई जे एड्रेस में 2 वैल्यू पड़ी हुई है, तो अब जे एड्रेस में वैल्यू हो गई स्टोर 4। तो इस तरह से आई और जे में जो वैल्यू पड़ी हुई है वेरिएबल्स में वो चेंज हो गई। अब हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे तो देखिए आंसर आएगा 25 और 4। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चन को देखिए ध्यान से, इसमें एक फ्लोट वेरिएबल डिक्लेयर किया है ए और उसमें हमने वैल्यू दे दी 13.5। उसके बाद दो इन्होंने पॉइंटर्स डिक्लेयर किए हैं बी और सी। अब पॉइंटर्स का डिक्लेरेशन आप देख लीजिए, जब भी आपको पॉइंटर डिक्लेयर करना हो फ्लोट स्टार बी एंड स्टार बी, इसका मतलब क्या हुआ कि स्टार बी में फ्लोट की वैल्यू होगी और स्टार सी में भी फ्लोट टाइप की वैल्यू होगी, और बी एंड सी क्या होंगे, पॉइंटर। ठीक है, तो हम कहेंगे बी और सी दो पॉइंटर हैं जिसमें कि किस टाइप की वैल्यू स्टोर होती है, तो यानी कि बी और सी जो एड्रेस हैं उनमें किस टाइप की वैल्यू स्टोर है, फ्लोट टाइप की। ठीक है, अब बी में हमने क्या डाल दिया, ए का एड्रेस डाल दिया, और सी में हमने क्या डाल दिया, बी डाल दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए वेरिएबल डिक्लेयर किया था ए, इस वेरिएबल का जो एड्रेस था वो हमने बी में डाल दिया और सी में भी इफेक्टिवली वही डाल दिया। तो बी और सी दोनों में ही अब ए का एड्रेस पड़ा हुआ है।
अब जब हमने प्रिंट करवाया एड्रेस ऑफ ए, बी और सी, तो तीनों में सेम वैल्यू आएगी, है ना, क्योंकि बी और सी में ए का एड्रेस ही तो पड़ा है। और उसके बाद अब जब ये प्रिंट करवाएंगे तो देखिए सारी वैल्यूज़ जो हैं, ये सारी जो भी लिखे हुए हैं वेरिएबल्स, वो एक ही चीज़ को पॉइंट करेंगे जो कि है ए की वैल्यू। देखिए जब हम ए प्रिंट करवाते हैं तो एक वैल्यू प्रिंट होती ही है। उसके बाद हमने कहा एड्रेस ऑफ ए और उसके आगे पॉइंटर ये लगा दिया स्टार, यानी कि एड्रेस ऑफ ए में जो वैल्यू पड़ी हुई है, क्या वैल्यू पड़ी है, ए वेरिएबल की। उसके बाद हमने ब्रैकेट हटा दिए तो वो भी सेम चीज़ है। और आप जानती हैं कि बी और सी में क्या पड़ा हुआ है, ए का एड्रेस, तो बी और सी में जब ए का एड्रेस पड़ा है तो उसके आगे जब हम स्टार लगा देंगे तो उसका मतलब क्या हो जाएगा कि ए के एड्रेस में जो वैल्यू पड़ी है, इसी तरह इसका भी मतलब ये हो जाएगा कि ए के एड्रेस में जो वैल्यू पड़ी है। तो इस लाइन में सारे प्रिंट होंगे, तीनों चीज़ें डिनोट करेंगी ए का एड्रेस को, और इस लाइन में सारी चीज़ें डिनोट करेंगी ए की वैल्यू को। अब उसको फटाफट एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। ये देखिए ये सारा आ गई ए की वैल्यू और फर्स्ट लाइन में आ गई सारा ए का एड्रेस। ठीक है, अब दोस्तों समय हो चला है आज के क्वेश्चन ऑफ द डे का। देखते हैं कि आज के क्वेश्चन का कौन कौन व्यूअर्स सही आंसर दे पाते हैं। जो भी इस क्वेश्चन का आंसर सबसे पहले देगा कमेंट सेक्शन में, मैं उस कमेंट को पिन करूंगा। ठीक है, तो दोस्तों क्वेश्चन ऑफ द डे आपके सामने है, आप इस क्वेश्चन को वीडियो पॉज करके अच्छे से देखिए और इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। बने रहिए मेरे साथ, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर चल रहा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे इसी चैप्टर का नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन बी। धन्यवाद।